अब बात करेंगे जयपुर से लोकसभा चुनाव 2019 की। जी हां, जयपुर शहर लोकसभा सीट पर स्क्रूटनी कार्य पूरा हो चुका है। जयपुर शहर से 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं और अब जयपुर शहर में 29 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में है। जो आपको बता दें कि डॉक्टर राम नारायण यादव, शैलेश दीक्षित का VRS नहीं हुआ मंजूर। जयपुर ग्रामीण से एक भी नामांकन पत्र खारिज नहीं हुआ है। जयपुर ग्रामीण लोस में आपको बता दें कि 11 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई है। जयपुर ग्रामीण से एक भी नामांकन पत्र खारिज नहीं हुआ है। आपको जयपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर जयपुर ग्रामीण लोकसभा में 11 नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल बता रहे हैं आपको, जहां पर जयपुर शहर लोकसभा सीट पर स्क्रूटनी कार्य अब पूरा हो चुका है। जयपुर शहर से 5 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं तो वहीं जयपुर ग्रामीण से एक भी नामांकन पत्र खारिज नहीं हुआ है और अब जयपुर शहर में 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं।